दूर कहीं एक गांव में एक दिन आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी और उस गर्मी की वजह से फूल मुरझा रहे थे और जानवर भी थकावट का शिकार हो रहे थे। गर्म कपड़ों में सिपाहियों के लिए भी खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। आज तो कल से भी ज्यादा गर्मी है। सही कहा, आज तो बहुत गर्मी है। ना तो बादशाह और ना ही सिपाही ये बात समझ पा रहे थे कि आखिर इतनी गर्मी पड़ने की वजह क्या है, वो भी दिन ब दिन बढ़ती गर्मी। एक खूबसूरत लड़की मरिया, जो अपनी मुरझाई हुई फसलों को देखकर बहुत उदास हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी सब्जियां खुश्क हो जाएंगी। फौरी तौर पर गर्मी को रोकने की जरूरत है। मरिया ने बादशाह के पास जाकर गर्मी की शिकायत की और अपनी फसल के मुरझाने की बात बताई। बादशाह ने अपने एक सिपाही को गर्मी की वजह पता लगाने का हुक्म दिया। जवान सिपाही हिम्मत का मुजाहरा करता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया और बिना आखिर उस जवान सिपाही ने पहाड़ पर एक ड्रैगन को देखा। ड्रैगन मुसलसल अपने मुंह से आग बरसा रहा था और वो आग बरसाना बंद ही नहीं कर रहा था। और जब जवान सिपाही ने ये देखा कि गर्मी उस ड्रैगन की आग की वजह से है, तो वो सिपाही ड्रैगन को रोकने के लिए दौड़ा और इससे पहले कि सिपाही ड्रैगन के करीब पहुंचता, ड्रैगन ने उसे आग से दूर भगा दिया। और पहले की तरह मुसलसल आग बरसाने लगा। जख्मी हालत में सिपाही गांव वालों के सामने से गुजर रहा था। मरिया और बाकी गांव वाले उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। सिपाही सीधा बादशाह के पास गया और जाकर सारी कहानी बयान की। मेरे बादशाह, एक गुस्से वाला ड्रैगन मुसलसल हमारे गांव पर आग उगल रहा है, इसलिए गांव में बहुत गर्मी हो रही है। क्या, ड्रैगन? बिल्कुल, उसने मुझ पर भी हमला किया और मैं जख्मी हो गया। बादशाह यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या सुना। काफी दिन बादशाह ने खुद को कमरे में बंद रखा और बस यही सोचता रहा कि उस ड्रैगन से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। और फिर एक दिन उसने अपने एक सिपाही को बुलाकर एक काम सौंपा और फिर उस सिपाही ने बादशाह का पैगाम सब गांव वालों तक पहुंचा दिया। हमारे गांव का दर्जा हरारत इस ड्रैगन की वजह से बढ़ गया है, जो कि सात गारों वाले पहाड़ में से सातवें गार में रहता है। ये ड्रैगन बहुत ही खतरनाक है और हर वक्त मुंह से आग बरसाता है। बादशाह ने ऐलान किया है कि वो फर्द जो कि इस ड्रैगन को मार देगा, उसे 100 सोने की अशर्फियां मिलेंगी। सिपाही की ये बातें सुनकर गांव वाले परेशान हो गए। सब उल्टे पैर अपने घर जाने के लिए वापस लौट गए। लेकिन उसी दौरान बाहिम्मत खूबसूरत लड़की मरिया ने ये फैसला किया कि वो आगे बढ़कर ड्रैगन को हराएगी। मैं उस ड्रैगन का शिकार कर सकती हूँ। क्या? तुम तो एक आम सी लड़की हो, हमें ताकतवर मर्द जंगजुओं की जरूरत है। क्या है तुम में कोई ऐसा? तुम ये नहीं कर सकती हो मरिया। मरिया, नहीं, ड्रैगन का शिकार तुम नहीं कर सकती। मरिया के इस फैसले से गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि खौफ की वजह से इनाम होने के बावजूद कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता था। मैं एक मेहनती लड़की हूँ जिसके पास जानवर और खेत भी हैं। इस गर्मी को रोकने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी। अगर गर्मी को रोकने की कोशिश नहीं की गई तो हमारे गाँव के सारे खेत जल जाएंगे। ना ही सिपाही और ना ही गाँव वालों ने मरिया की बात को ज्यादा अहमियत दी। मगर अगली सुबह होते ही मरिया अपने हथियारों के साथ पहाड़ की तरफ रवाना हो गई। दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही थी। हथियारों के साथ उस बड़े पहाड़ पर चढ़ना मरिया के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। पूरे रास्ते मरिया पसीना बहाती और पानी पीती हुई पहाड़ पर चढ़ती रही। मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मुझे किसी सूरत भी हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत करो मरिया, बस थोड़ा ही ऊपर है, मैं कर सकती हूँ।
आखिरकार 7 गुफाओं वाले पहाड़ पर मरिया छठी गुफा तक पहुंच गई और उसने उन पर्पल फूलों को देखा जो पहाड़ पर मुरझाए हुए थे। गर्मी की वजह से तो ये पर्पल फ्लावर्स भी सूख गए हैं। मुझे किसी तरह भी ड्रैगन का शिकार करना होगा। मरिया ने बहुत ही मुश्किल से 7वीं गुफा तक का सफर तय किया। पहाड़ के इस मुकाम पर बेहद गर्मी थी और बिला आखिर मरिया ने आग बरसाते उस ड्रैगन को देखा। तो यहाँ हो तुम, मैं तुमसे नहीं डरती। पत्थरों के पीछे छुपती हुई मरिया ड्रैगन की तरह हिम्मत से बढ़ रही थी, मगर ड्रैगन आग बरसाने से किसी सूरत नहीं रुक रहा था। मरिया बहुत मुश्किल से जान बचा रही थी, मगर फिर भी मरिया ने हिम्मत नहीं हारी और ड्रैगन के मजीद करीब चली गई। और उसी दौरान उसने एक अजीब सी आवाज को सुना। हाँ, ये क्या? ये ड्रैगन आके रो क्यों रहा है? जब मरिया ने थोड़ा और पास जाकर देखा तो ड्रैगन की दुम कांटों में फंसी हुई थी। अरे ये क्या, ये तो जख्मी है, तो इसीलिए ये रो रहा है और आग उगल रहा है। बेचारा ड्रैगन। बहुत मुश्किलों से मरिया ने उन कांटों को ड्रैगन की दुम से हटा दिया। आओ, एक कांटा लगने से मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। आउच। ओह, बेचारे ड्रैगन को कितनी तकलीफ हो रही होगी। इसी दौरान ड्रैगन ने अपना रुख मरिया की तरफ किया। वो मरिया को बहुत गुस्से से देख रहा था और उसे आग से जलाने ही वाला था कि मरिया ने ड्रैगन को वो कांटे दिखाए जिनमें वो फंसा हुआ था। और जब ड्रैगन ने देखा कि उसकी दुम अब कांटों में जकड़ी हुई नहीं है तो वो बहुत खुश हुआ और मरिया का शुक्रिया अदा करने लगा। और ड्रैगन ने मरिया को अपने ऊपर बिठा लिया। गांव के लोग कम होती गर्मी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और जब उन्होंने आसमान पर देखा तो मरिया बहादुरी के साथ ड्रैगन की पीठ पर बैठे हवा में उड़ रही थी। ये तो मरिया है, वहाँ देखें, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। यकीन नहीं आता। ओ मरिया, मरिया वाकई कामयाब हो गई। वाह। और अगली सुबह मरिया ने बादशाह को बताया कि उसने किस तरह से गांव को बचा लिया। अपने हौसले और हिम्मत की वजह से मरिया महल की पहली वो लड़की थी जो सिपाही बनी। और उस दिन के बाद से लोग बहादुर मरिया की कहानी बच्चों को सुनाने लगे। वो सब बाहिम्मत बच्चे जो खेतों में मरिया की तरह काम किया करते थे।